ग्रैमी के बिस्किट को थोड़ा सुखा दो तो हॉकी खेलने लायक हो जाते हैं वो। सही कहा पक्षी बॉय, और पपाया सूखने के बाद तो ये उड़ते भी बहुत खूब है। गोली नहीं हुआ। बग्स, डेफी, टेस, हॉल में हॉकी नहीं खेली जाती है। हम हॉकी नहीं खेल रहे थे ग्रैनी, हम तो रोलर बिस्किट खेल रहे थे। टेस भी खेलेगा। कुछ भी हो पर यहाँ खेलना ठीक नहीं है। यहाँ कुछ टूट सकता है या तुम्हें चोट लग सकती है। माफ कर लीजिए ग्रैनी। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ छत्ते से शहद निकालने। तुम तीनों सबके साथ यहीं रहना, बाहर गए तो मधुमक्खी काट लेगी। अगर सब ठीक ठाक रहा तो आज दोपहर को हम सब मिलकर बिस्किट के साथ ताज़ा शहद खाएंगे। लो, हम रोलर बिस्किट ना तो घर भी खेल सकते हैं और ना ही घर के बाहर। नहीं, ग्रैनी ने कहा है कि हम हॉल में नहीं खेल सकते, लेकिन उन्होंने प्ले रूम में खेलने से नहीं मना किया है। चलो प्ले रूम। क्यों ना हम प्ले रूम में चले जाएं इससे पहले कि कुछ टूट जाए। ये क्या, लो आ गई मुसीबत। ओह, तुम लोग तो मुसीबत में फंस गए हो। टाइम आउट। टेस बेटे, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। क्या अब टेस, डैफी और बग्स हमेशा यहीं बैठे रहेंगे? नहीं बच्चे, बस तब तक जब तक वो ये नहीं समझ लेते कि घर में खेलना कितना खतरनाक है। इसमें कितना समय लगेगा ग्रैनी? 5 मिनट में भी हो सकता है। अभी 3 बज रहे हैं, तुम 5:05 तक टाइम आउट पर बैठे रहो। जब घड़ी की छोटी सुई 3 पर होगी और बड़ी सुई, लू ये देखो, 5 मिनट। तुम फिक्र मत करो, मैं घड़ी देख रही हूँ। अब तुम सब जाकर खेलो, मैं घड़ी बनाने वाले को बुलाती हूँ। लेकिन ग्रैनी घड़ी कैसे देख सकती है? बड़ी सुई तो टूट गई है, वो 5 पर कभी नहीं आएगी। तुम लोग हमेशा ऐसे ही यहीं पर बैठे रह जाओगे। सिल्वेस्टर, चलो सुपरमार्केट खेले। सुपरमार्केट? मैं हूँ बैग बॉय। हे, सुनो, अगर हम ही घड़ी बनाते तो कैसा रहेगा, क्योंकि हमने ही तोड़ा है ना? हाँ, फिर ग्रैनी भी समझ जाएगी कि हम बड़े शर्मिंदा हैं। बच्चों, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। अच्छा सुनो, धीरे बोला। ओ चुप। जल्दी, ग्रैनी हमें पकड़ लेगी। टेप। हेलो, EMPM क्लॉक रिपेयर। हाँ, मिनट की एक सुई, एक बिगड़ी हुई बड़ी घड़ी के लिए चाहिए मुझे। ये नहीं चिपकने वाली।